नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं UGC नेट 2024 जून के री एग्जाम के बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। ये दोस्तों, आप सभी ने अभी हाल ही फिलहाल में कुछ देर पहले एक न्यूज सुनी होगी दोस्तों, जिसमें जो ये मामला है री एग्जाम का, उसके कंडक्ट किए जाने का, दोस्तों अब ये मामला PIL के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी दोस्तों, PIL में ये मांग की गई है कि दोस्तों जो री एग्जाम होने वाला है उसे रद्द किया जाए, जब तक कि जो CBI है ये अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर लेती और रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं कर देती। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ही वकील के द्वारा दोस्तों ये जो मांग है वहां पर रखी गई, और दोस्तों अब आगे क्या होगा इन चीजों की भी दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों, आप सभी ने अपने चैनल पे या फिर कह लीजिए दोस्तों अलग अलग जो न्यूज सोर्सेज है वहां पे आपने देखा होगा ये काफी तेजी से प्रसारित दोस्तों न्यूज है, जहां पे इनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिली होगी, आपने वीडियोस देखे भी होंगे। तो फिलहाल दोस्तों अपडेट ये है कि UGC नेट 2024 के जो री एग्जाम की मांग है वो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ने दोस्तों वहां पे PIL दाखिल किया था, और PIL के दाखिल किए जाने के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना जो पक्ष रखा, जो दलील रखी कि जो ये जो री एग्जाम होने वाला है उससे तब तक स्थगित कर दिया जाए, तब तक के लिए रोक दिया जाए, जब तक कि जो CBI है उस वह अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर लेती है, और साथ ही साथ जो है कि कंप्लीट करने के साथ अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर देती है, क्योंकि यदि उसके पहले यदि एग्जाम को लेके हैप्टिक बना हुआ है और यदि एग्जाम को लेके यदि NTA साफ नहीं करती है तो इससे बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो क्योस फैला हुआ है, जो आपकी परेशानियां हैं, क्योंकि बच्चे भी दो ग्रुप में बटे हुए हैं। बच्चे लड़ रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे री एग्जाम चाहिए, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं आपका उनको रिजल्ट चाहिए। देखिए, हर एक बच्चे का अपना तर्क है, रिजल्ट वाले बच्चों के अपने तर्क हैं कि सेशन लेट हो जाएगा या फिर उनको वापस से समय नहीं मिलेगा या फिर उनके एग्जाम्स बढ़िया गए हैं दोबारा वो देना नहीं चाहते हैं। री एग्जाम वाले बच्चों के अपने हैं। हालांकि चैनल पे हमने अपने चैनल पे पोल भी क्रिएट किया था जहां पे 70-30 का रेशियो है, 70% बच्चे कह रहे हैं कि उनको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए जल्द से जल्द, और उनको जो है कि बताया जाए कि उनके जून आपके जो एग्जाम लिए गए थे उनमें उनका कितना रिजल्ट रहा, और 30% बच्चों का कहना है लगभग कि उनका जो एग्जाम है वो री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो खैर, ये PIL अब पढ़ चुके सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ अब वर्डिक्ट होगा, क्या कुछ गाइडलाइन होगा, उसी के हिसाब से जो है कि NTA अब काम करेगी। यही ठीक बात दोस्तों मैंने कल अपने लाइव स्ट्रीम में भी कहा था, जिसमें कुछ बच्चों के बातें रास नहीं आई थी। उनको लगता है कि यदि उनके मन पसंद की ही बातें होंगी जो उनको कानों को सुनना है तो ही बातें जो है हम टीचर की सुनेंगे, नहीं तो उनको अपशब्द कहेंगे और आगे निकल जाएंगे। कल मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में PIL पड़ी हुई है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही वर्डिक्ट देगी उसके अनुसार ही आगे काम होगा। यदि उसके पहले आप हमसे कोई गलत इंफॉर्मेशन सुनना चाहते हैं तो ये बातें गलत होंगी। हम बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के जो फैक्ट है वो बना के नहीं प्रस्तुत कर सकते, जो वास्तविकता है वो फैक्ट हम आपके साथ बता सकते हैं, और आज हुआ भी वही, उस पर सुनवाई हो रही है और उस पर जो है कि ये बात रखी गई सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा कि वास्तव में हमें जरूरत है इस समय CBI की रिपोर्ट की, और रिपोर्ट नहीं आने तक जो आपका जो ये जितने भी एग्जामिनेशन की चीजें हैं उनको क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, उस पर रोक लगा दी जाए, जिससे कि बच्चों के मन में जो आशंकाएं हैं री एग्जाम और रिजल्ट को लेके इसमें उनको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिले और उनको यह पता चले कि नहीं, री एग्जाम होगा या फिर आपके जो एग्जाम दिए गए हैं उसके आधार पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, हालांकि मैंने अपने चैनल के माध्यम से जो पोल क्रिएट किया था उसमें देखिए बड़ा ही मार्जिन है स्पष्ट रूप से कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं दोस्तों वो रिजल्ट को चाहते हैं, और कुछ वर्ग लगभग 30% जो बच्चे वो आपके री एग्जाम को चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और यदि दोस्तों अब से कोई और भी नई अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो जो इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे।
जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।